हाय गाइस, आज हम आपको दिखाएंगे कि हमारे पास जो फैन आया हुआ है, इस फैन को ग्राहक रख के गया है और बता के गया है कि इसे सही कर दीजिए। इसकी प्रॉब्लम भी हमें नहीं पता है, हम आपको बताएंगे कैसे फैन की प्रॉब्लम को हम जानेंगे। गाइस, सबसे पहले हम यहाँ सीरीज पॉइंट है, इस सीरीज पॉइंट में हमारी पिन को लगाते हैं। जैसे ही हम देखते हैं कि फैन धीरे धीरे से ऑन हो चुका है और इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, इसको भी हम पूरा जानेंगे। गाइस, हम इसे मेन वायर में भी लगाते हैं। अब मेन वायर में लगाते हैं तो यह फैन फैन के अंदर से कुछ आवाज़ आ रही है और फैन ऑन नहीं हो रहा। हम इसे ओपन करते हैं। इसके साइड स्क्रू को हम खोल लेते हैं। बाद हम इसे फिर से पिन को प्लग सॉकेट में लगाते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि फैन ऑन नहीं हो रहा है। गाइस, अब हम इसके कैपेसिटर को खोलकर इसके वायर्स में करंट चेक करेंगे। हमने यह कैपेसिटर खोल लिया है और साथ में बचा हुआ एक और वायर, यह भी हमने खोल लिया है। गाइस, अब हमारे पास यह केबल है, जैसे हम सीरीज केबल बोलते हैं, इसे हम सीरीज में लगाकर इसे चेक कर लेते हैं। चेक करते हैं तो इसके अंदर करंट नहीं आ रहा है, इस वायर के अंदर करंट अवेलेबल नहीं है। गाइस, इन दोनों के अंदर हमें करंट मिल रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं इन दोनों वायर नीचे वाले वायर्स के अंदर हमें करंट मिल रहा है, जबकि इस ऊपर वाले वायर में हमें करंट नहीं मिल रहा है। तो अब हम इसे खोलकर देखते हैं। खोलने के लिए हमें यहाँ स्क्रू मिलते हैं, तो हम स्क्रू को ओपन कर लेते हैं। यह आसानी से नहीं खुलेगा, इसलिए हम इसके आगे के इस पार्टीशन को, जो कि सामने की जाली है, इसे भी ओपन करते हैं और साथ में बचे हुए पंखुड़ी को भी साइड में कर देते हैं, ताकि इसके टूटने का डर ना रहे। अब हम इसे हथौड़ी की मार से पीछे की तरफ खोल लेते हैं। यह खुल चुका है। हम इसके बेरिंग की जांच करते हैं, बेरिंग सही तो है, तो हम देखते हैं इसके बेरिंग सही है। और गाइस, अब हमें सबसे इसकी प्रॉब्लम यह थी कि इसके अंदर से बाहर करंट नहीं आ रहा था। तो अब हम इसके हमारे पास पाई का यह छोटा वाला कटर अवेलेबल है, हम इसकी सहायता से इसके बंधे हुए सभी धागे को काट लेते हैं। इसे हम उस प्रकार काटेंगे कि जहाँ पर हमें पेपर लगा हुआ है या कुछ लगा हुआ है, डायरेक्टली अगर हम वायर के पास में काटते हैं तो वायर कटने का डर रहता है। इसे ओपन किया है, यहाँ पर हमारा वायर जुड़ा हुआ है। अब हम सेकेंड वायर को भी ओपन करते हैं। हमारा ब्लैक वायर में भी करंट बाहर आ रहा था, तो हम ब्लैक वायर को नहीं खोलते हैं और इस सीरीज की सहायता से हम फिर मुंह को चेक करते हैं कि करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। हमारा यहाँ से करंट आ रहा है, हमारा पंखा सही है, बट यहाँ से कनेक्शन जल चुका था। अब हम इस वायर को अच्छे से ब्लेड की सहायता से रगड़ लेते हैं।
क्योंकि अगर हम ब्लेड की सहायता से नहीं रगड़ेंगे तो हमें अच्छे से करंट नहीं मिल पाएगा, और यह पंखा कभी तो रन करेगा और कभी नहीं करेगा, इसलिए हम इसे ब्लेड की सहायता से साफ कर रहे हैं। हमने इसे साफ कर लिया है, अब हम इसके अंदर एल्यूमिनियम वायर को कनेक्ट करेंगे, क्योंकि अंदर भी हमें एल्यूमिनियम वायर ही मिला हुआ है। अगर हम इसमें कॉपर वायर को कनेक्ट करते हैं तो हमें जल्दी से यह गला हुआ मिलेगा, और हम एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम को कनेक्ट करते हैं तो यह लंबे समय तक हमें चलता हुआ मिलेगा। हमने यह कनेक्ट कर दिया है, इसके ऊपर हम कवर लगा देते हैं। कवर्ड के लिए हम इसे सिल्यू का यूज करेंगे, सिल्यू को हम आसानी से लगा सकते हैं। ऊपर हमने सिल्यू लगा दी है, इधर भी हम इसी सिल्यू को ऊपर चढ़ा देते हैं, क्योंकि वायर टूटे हुए नहीं है, वो वायर अच्छे से जॉइंट है, तो हम इसे सिल्यू को ऊपर चढ़ा देते हैं और वापस इसे कुछ इसी प्रकार हम टाई की सहायता से बांध देते हैं। यह हमने इसे टाई की सहायता से बांध दिया है, हम इसे एक दो टाई का और यूज करके अच्छे से बांध देते हैं। उसके बाद हम इसे आपको फिटिंग करके चलाकर दिखाएंगे। गाइस आप लाइव देख रहे हैं, कैसे हम पंखा सही करें। गाइस यहाँ भी एक प्रॉब्लम और दिख रही है, जैसे कि यह पंखा तो बेयरिंग तो सही है, बट इसका सीट है जो थोड़ा सा ढीला हो चुका है। ढीले सीट में बेयरिंग कट हो चुके हैं, जो कि पुरानी प्रॉब्लम थी। बेयरिंग खराब होने पर यह किसी मिस्त्री के पास गया होगा, जहाँ से उसने बेयरिंग तो डाल दिया बट सीट को ढीला रहने दिया, सीट को टाइट नहीं किया। इससे कभी कभी यह रोटर बीच में तो चलता है बट साइड में चिपकने की प्रॉब्लम रहती है, तो हम इसे सीट को भी टाइट करने के लिए इसके ऊपर इस प्रकार थोड़े से टीचे लगा देते हैं, जिससे कि इसके अंदर बेयरिंग टाइट हो जाएगा। अगर सीट कम कटी होती है तो हम टीचे लगाते हैं, अगर सीट ज्यादा कटी होती है तो हम टीचे नहीं लगाते हैं, जबकि उसकी जगह हम माल भरवा कर सीट को कंप्लीट करवाते हैं। यह हमारी थोड़ी ही कटी हुई थी, तो यह सीट टाइट हो चुकी है। अब हम इसे हथौड़ी की सहायता से अंदर बिठा लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह सीट में अच्छे से बैठ चुका है, यह पूरी सीट बैठ चुकी है, और बेयरिंग पीछे भी हमारा मुंह आ चुका है। अब हम इसे अंदर लगा देते हैं। इसका सामने वाला बेयरिंग देखा है हमने, यह भी पूरा अच्छी तरीके से फ्री है। अब हम इसके अंदर वापस से स्क्रू लगा देते हैं, जैसा कि हमने खोला था उसी प्रकार हम इसको फिटिंग करेंगे, और उसके बाद हम आपको इसमें चलाकर दिखाएंगे।